एक तो आरोप आपके विरोधी भी वहाँ पर लगा रहे हैं कि चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में आप श्री बाबू को कैश कराना चाहते हो या फिर कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन करके कहीं ना कहीं अगला जो लोकसभा चुनाव है खासकर बिहार में ये आपके टारगेट पे है, ये आपके लक्ष्य पे है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, हर वक्त का। और हमें नाज है, हमें फक्र है कि श्री बाबू हमारे कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो अगर हम हमारे विचारधारा से जुड़े हमारे नेता की बात हम करें तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। हम उनके सिद्धांत उनकी बात को लेके चलते हैं। हाँ ज़रूर यह है कि जो विफल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के वक्त में, उनके नेता अंग्रेजों के विटनेस बनते रहे, स्वतंत्र सेनानी के खिलाफ गवाही देते थे भाजपा के नेता उन वक्त पे। आप पटेल साहब के कुछ बता रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय नेता, मैं सिर्फ कांग्रेस का नहीं मैं कहता हूँ देश के नेता थे। अब उन्होंने कहा था कि भाजपा जिस विचारधारा को लेके चलती है वो जहर पैदा करने का बीज केंद्र है। और आज क्योंकि भाजपा को चुनाव में अपने किए वादे तो पूरे नहीं किए तो सरदार साहब का स्टैचू बना के करते हैं, उसे राजनीति कहते हैं। सरदार साहब की विचारधारा को तो आप मानते नहीं हो और स्टैचू की बात करते हो, वो राजनीति है। हम तो हमारे नेता के जन्मदिन पर उनकी बताई बातों को दोहरा रहे हैं और उनके पथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।